हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हाजिर में बड़ी खूबसूरत आइस ट्यूटोरियल के साथ। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। और सबसे पहले मैंने अपने आइस पे जो है कंसीलर यूज़ किया है अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ फिंगर, ताकि मैं अपनी आइस पर अच्छी तरह से इसे सेट कर सकूँ। अभी मैं विद द हेल्प ऑफ पफ मैं इसे सेट करूँगी, ठीक है। और जल्दी से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि आजकल कराची में तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो बी केयरफुल, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मास्क को यूज़ करें, वो आप लोगों के प्रोटेक्शन के ही लिए है, ठीक है। और जैसे कि मैंने क्रालॉन की स्टिक यूज़ की है, 35 नंबर था। और फिर उसके बाद मैंने क्लासिक वालों का फेस पाउडर यूज़ किया। उसके बाद ये बिल्कुल बड़ा शैम्पेन कलर कह लूँ मैट में, ये मैंने आइज़ पर लिया और इसको मैं अपनी आइज़ पर जो है अप्लाई करूँगी, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा और सिंपल सा आज का मेरा नागिन आइज़ ट्यूटोरियल लुक था, ठीक है। हम इसमें ज़रूरी नहीं कि एक आइज़ लुक रख सकते हैं, हम इसमें बहुत से लुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज का फर्स्ट लुक मैंने आइज़ को क्रिएट किया है, नागिन आइज़ क्रिएट की है मैंने फ़र्स्ट टाइम, तो मतलब कि फ़र्स्ट टाइम नहीं, वीडियो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, ठीक है, फॉर यू। और बिल्कुल सिंपल से एलिगेंट से आइज़ हैं, आप ये इजीली किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं कि ये रिजर्व है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और अब देखिए, मैंने पूरी आइज़ पर करने के बाद मैंने इसे फिंगर से ब्लेंड कर दिया ताकि इसके कोई एजेस ना नज़र आए, ठीक है। और दोनों आइज़ पर मैंने इसे अच्छी तरह से कर लिया। ये बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त भी थोड़ा सा शाइन है और बिल्कुल छोटे छोटे से ज़र्रात हैं, जैसे लगते हैं कि इसमें शायद कोई ग्लिटर वगैरह मिला हुआ है, तो बड़े खूबसूरत ज़र्रात थे इसके, जिससे मैंने इसे फिर अपनी पूरी आइज़ पर विद द हेल्प ऑफ फिंगर यूज़ किया, ठीक है। ये कंटूर ये हाइलाइटर पैलेट में ही से मैंने यूज़ किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत लग रही है इनकी आइज़, ये बिल्कुल लाइट से मैंने ग्लिटर लेकर देखें बिल्कुल आइज़ पर, ताकि आइज़ जो हैं बड़ी अच्छी तरह से नज़र आए, ठीक है। और ये जो आइज़ कॉन्टैक्ट है मैंने आज इसीलिए यूज़ किया आइज़ पर, ताकि आइज़ को थोड़ा वैसे एक लुक और देने पाएँ, ठीक है। और वी ऑल नो ऑन दैट वेरी वेल के नागिन एपिसोड नागिन सीरीज कितने ज़्यादा फेमस हुए थे, तो मैं स्टोरी स्टोरी वो भी और भी आइज़ ट्यूटोरियल शेयर करूँगी आप लोगों से, ठीक है। और देखिए, मैंने बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक आइज़ पैलेट में से कलर लिया और उनसे आईब्रो को हाईलाइट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे आईब्रो मैंने आइज़ पैलेट में से कलर लिया है ब्लैक, क्योंकि मुझे आईब्रोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना था, ठीक है, ताकि आइज़ भी इस तरीके से ज़्यादा हाईलाइट हो पाए, ठीक है। तो जब हम आईब्रोज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो आइज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस आता है, और वो हम लोग पर डिपेंड है कि हम आइज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और भले आइज़ का कलर लाइट हो ना, तो जब आईब्रोज़ डार्क होंगे तो उससे ज़बरदस्त लुक आएगा, ठीक है। ये मैं इसी से ही हाइलाइटर से लेकर मैंने जो है आईब्रोज़ को और आइज़ की इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया, ठीक है। बड़े सॉफ्ट से एलिगेंट से लुक है, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ड्रेस के साथ, क्योंकि इतना कैजुअल से ये नॉर्मल से आइज़ का लुक है कि बहुत खूबसूरत लग रही है, ठीक है। अब मैंने दोबारा वही ब्राउन सा कलर लेकर अपनी एजेस को थोड़ा सा फिर हाईलाइट किया, ताकि एजेस जो हैं बिल्कुल ही डम ना हो जाए, ठीक है, उनको थोड़ा सा और मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने आइज़ में ये जो है ब्लैक पेंसिल यूज़ की है एज़ यूजल, क्योंकि इससे आइज़ और ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और ही ज़्यादा खूबसूरत उनमें एक लुक आ जाता है। दोनों आइज़ में मैंने ये जो है यूज़ किया, ठीक है, और ये लगाते ही थोड़ा सा मेरी आइज़ में लगा, बट मेरी थोड़ी रेडिश सी आइज़ होगी, बट कुछ देर बाद ये नॉर्मल होगी। मैंने आइज़ के लोअर पार्ट पर भी मैंने यही ब्राउन जो कलर एश लिया था ये यूज़ किया। मैं मार्कर से आइज़ को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल से मैंने इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा विंग नहीं लिया, ठीक है, मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा विंग लिया और इनर कॉर्नर से भी ज़्यादा नहीं निकाला, इसे मैंने विंग में आउट किया, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से मैंने आइज को इससे बैलेंस कर लिया, ठीक है, और बड़े आराम से छोटा सा विंगलेट, क्योंकि ब्रश की जो नोक थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, और इससे मैंने इजीली ये लगा लिया। और देखिए दोनों आइज पे मैंने अच्छी तरह से अप्लाई किया। अब मैं एज़ यूजल बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ हर बार की तरह, और मस्कारा यूज़ करने के बाद आइज़ बड़ी खूबसूरत हो गई थी इसके साथ, और ये आइज कॉन्टैक्ट मैंने मंगवाए हैं, ये बड़े ही ज़बरदस्त बेहतरीन है। नहीं तो एक दो बार मैंने मंगवाया बट वो प्रॉपरली वैसे नहीं थे जैसे होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी मंगवाएं तो आप कम से कम 5 घंटे उन्हें उसके वाटर में रख दें, ठीक है, और आफ्टर 5 to 6 आवर्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब न्यू रिसेंटली आप लोग लेकर आए हो ना, न्यू बाय किए हों, उनके वाटर्स निकाल कर आप यूज़ करें तो फिर आपने ऐसा करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं ऑलवेज़ की तरह 3D की लैशेज यूज़ करती हूँ, माई फेवरेट लैशेज हैं वो, और ये देख सकते हैं आपके कितना खूबसूरत लग रहे हैं आज। और उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।